हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन वाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में, सेटिंग सेटिंग को ओपन कर लेना। सॉरी, यहाँ से आपको डायल पैड पे क्लिक कर लेना। डायल पैड पे क्लिक करने के बाद में थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर एडियन स्पेन, इसको ऑन कर लेना। यहाँ से बैक होना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बिलोंग नंबर, आपको क्लिक कर लेना। जैसे कि आपको अनोन नंबर की कॉल बिलोंग करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अनोन नंबर का, इसको ऑन कर लेंगे तो आपके फोन में जो अनोन नंबर है उसकी कॉल बिलोंग इनेबल हो जाएगी। यहाँ से आपको ऐड नंबर पर क्लिक करके आप किसी भी अपने पर्सनल नंबर की कॉल बिलोंग करना चाहते हैं तो आप उसे कॉल बिलोंग कर लेंगे। यहाँ से आपको बैक होना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट, आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिम बन पे क्लिक करके कुछ भी, यहाँ से आपके फोन में कॉल फॉरवर्ड इनेबल करेंगे रीडिंग सेटिंग के बाद में। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में कॉल वेटिंग ऑन ऑफ, आप यहाँ से अपने फोन में कॉल वेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अकाउंट। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में इस प्रकार आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको बैक होना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग, जैसे कि आपको अपने फोन में कॉन्टैक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, इसको ऑन कर लेंगे और आर एस रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेंगे। आपके फोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगी। इस प्रकार आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करेंगे। सिलेक्ट नंबर पर क्लिक करके नंबर सेलेक्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट में से और अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर लेंगे। तो इस प्रकार आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको डिस्प्ले पे क्लिक कर लेना है। स्टोर वाइप पे क्लिक करेंगे। आपके फोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप फर्स्ट नाम या लास्ट नाम से ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट यहाँ से ऐड कर लेंगे। और यहाँ से आपको पे होना है। पे होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नेवर प्लीज, आपको नेवर प्लीज को ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना। दोनों ऑप्शनों को आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ से आपको पे होना है। यहाँ आपको क्यों पे क्लिक करके, जैसे कि आपको फोन में कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है तो आपको ऑप्शन को इसको ऑन कर लेना है। कि आपके फोन में कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है तो आप अपने फोन में कॉल उठाकर कोई भी जवाब नहीं दे पाए तो फ्री होने के बाद में कोई भी यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से कोई भी मैसेज ट्राई कर देंगे उसको यहाँ से। और यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड, आपको साउंड पे क्लिक कर लेना। यहाँ से अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से रिंगटोन पे क्लिक करके इस पर अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कर देंगे। जो भी रखना है आप अपने हिसाब से ओके कर देंगे। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में हेडफोन सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करके साउंड देखने को मिल जाएंगे। आपको डायल पैड साउंड, नोटिस साउंड, स्क्रीन साउंड, लॉक साउंड, जो भी साउंड चाहिए आप ऐसे अपने फोन में कोई भी साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉइस मेल, आपको क्लिक कर लेना। जिस नंबर पर आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे इस नंबर पर आपको वॉइस मेल भेजना है। यहाँ से आपको नंबर ऐड कर लेना और आप यहाँ से वॉइस मेल ऐड कर देंगे। इस प्रकार अपने फोन में वॉइस मेल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप टू साइलेंट, आपको क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको फ्लिप टू साइलेंट को ऑप्शन को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे कि आप अपने फ़ोन में फ्लिप टू साइलेंट के ऑप्शन को ऑन कर देंगे, जैसे कि आपके फोन में कोई व्यक्ति कॉल करेगा तो आपकी कॉल ऑटोमेटिक साइलेंट पर हो जाएगी और आप इस प्रकार अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग इनेबल कर सकते हैं। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।